गंगा में आस्था रखने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कल संगम तट पर एकता का अनोखा संदेश दिया। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गंगा के पानी से वजू करके कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में सभी की सलामती की दुआ मांगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि कुंभ के दौरान देश विदेश से कोने कोने से आए अकीदतमंदों श्रद्धालुओं को सकुशल संगम पहुंचे और स्नान करके सकुशल अपने घर वापस जाएं। इसके लिए गंगा मैया से दुआ मांगी है। कुंभ से पहले मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया आयोजन आपसी सौहार्द पेश कर रहा है। कुंभ क्षेत्र के इसी जगह करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस दृश्य को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि संगम क्षेत्र में एक और अनोखा संगम देखने को मिला है। आज प्रयाग में आज मां गंगा के पानी से वजू कर दुनिया से करोड़ों लोग देश विदेश से जो आ रहे हैं उनकी सलामती के लिए दुआ किया है। वो सही सलामत आएं और सही सलामत वापसी जाएं और मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो, प्रेम भाव से संपन्न हो, सकुशल संपन्न हो, इसके लिए आज हम लोगों ने माँ गंगा के आंचल में पानी लेके दुआ किया है। खुदा के बारगाह में भी दुआ किया है। यही हमारी संस्कृति है, यही मेरी पहचान है। घर आए मेहमानों का इस्तकबाल करना हमारा दीनी फ़र्ज है और हम जगह जगह उन तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। मेले में जहाँ जहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाई है सब उनका स्वागत करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले घाट पे यहाँ पे वजू बनाया गया है और यहाँ पर आने वाले जितने श्रद्धालु संत हैं उनके लिए हम लोगों ने माँ गंगा से दुआ किया है कि उनकी अच्छे से हिफाजत हो और सही सलामती से वो लोग यहाँ पर आएं और अच्छे से रहें, दर्शन करें, स्नान करें, कोई उनको दिक्कतें ना हो और यहाँ से सही सलामती अपने घर पर पहुँचे।